हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गेम शो करने वाला और वेलकम टू द फन मैन मैन ब्लॉग्स। तो गाइज मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज अभी हम लोग जाने वाले हैं अजमेर। आज रात को 9 बजे के आसपास की मेरी ट्रेन है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं पैकिंग, बैग पैक कर रहे थे। देखो गाइज, तो कब से मैं सोच रहा था क्या ले जाऊँ क्या ले जाऊँ, उसमें आधा एक घंटा तो निकल गया। अभी बज रहे हैं 5, अराउंड 3 घंटे बाद की मेरी ट्रेन है अजमेर जाने के लिए। मैं और नईम जाने वाले हैं, सिर्फ हम 2 लोग ही हैं। तो अभी मैं बैग पैक कर लेता हूँ, आपको थोड़ी सी वीडियो बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस ये सब हमारे सब ले जाने का सामान है। ये नॉर्मल सी एक चादर जो ट्रेन में काम आएगी, ये टॉवेल है, और ये मेरा मैंने सोच रखा है ये कुर्ता सलवार है, ये फ्राइडे के दिन वहाँ जाके पहनूंगा, फ्राइडे की जुम्मा की नमाज के लिए। और ये है एक शर्ट, ये है दूसरा शर्ट, और ये एक पैंट। ये दोनों में कन्फ्यूजन है, तो वहाँ जाके क्लियर कर लेंगे कि क्या पहनेंगे ये पैंट के ऊपर। तो ये 2 शर्ट इसके लिए, और रही बात ये सॉक्स की, तो अभी अपने एयर जॉर्डन ले लेते हैं सस्ते वाले, उसके लिए सॉक्स, और ये दूसरी टी शर्ट, और एक ये पैंट। बाकी तो जो दूसरा ट्यूब ब्रश है और वगैरह सब, वो सब ले लेता हूँ मैं भी। हम लोगों का बैग रेडी हो चुका है, चलो निकले अजमेर के लिए। अभी नहीं जाने का, अभी बहुत टाइम है, 3-4 घंटे, तो अभी रखते हैं वहां तक, तब तक दूसरा काम बता लेते हैं। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अहमदाबाद स्टेशन पर, और ये आ चुकी है हमारी ट्रेन। तो यहां से अभी हम लोग बैठेंगे और पहुंच जाएंगे अजमेर सुबह लगभग 6:15 बजे के आसपास पहुंचेंगे। मैं वहां पहुँच कर आपको बता दूंगा पूरी वीडियो में। सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं अजमेर स्टेशन पर, ये रही हमारी ट्रेन। अजमेर स्टेशन पर अभी पहुंच चुके हैं, पीछे टाइम देख सकते हो आप कितना टाइम हुआ है, 6:08 हुई है, 6:08 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। नईम कैसा रहा सफ़र? बाद में बता, अभी तो पूरी रात सोए नहीं है, मतलब अभी जाएंगे फ्रेश व्रेश होंगे और सो जाएंगे बस सीधा। मैं मिलता हूँ आपको फ्रेश होने के बाद, थोड़ा सा होटल पे, होटल भी, हाँ होटल भी करवानी बाकी है। होटल पर जाकर फ्रेश होकर नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर सो जाएंगे, तब मिलता हूँ। तो गाइज होटल की तरफ जा रहा है, और होटल है बिल्कुल अजमेर शरीफ दरगाह के बिल्कुल पास ही में, आप देख सकते हो यहाँ से पीछे से। बस उधर बिल्कुल सामने अजमेर दरगाह शरीफ, और वहीं पे हमारी होटल बराबर ना नहीं? हाँ एकदम। अभी जाएंगे जल्दी से फ्रेश व्रेश होंगे, और यहाँ पर सब स्टॉल्स लग चुके हैं, यहाँ से जल्दी से नाश्ता कर लेंगे, जल्दी से जाके चेक इन कर लेते हैं। अभी बहुत ज़्यादा अभी थकान है, क्योंकि पूरी रात हम लोग सोए नहीं है। नहीं नींद आ रही थी तेरे को? अभी भी सोना है, नींद आ रही थी पर अभी नींद मिली नहीं है, अभी सो लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो गाइज ये है अपना रूम, ये नहीं बैठे यहाँ पर आके पानी वानी पीने लग गए, ये हूँ मैं, सब सही है, एसी वाला रूम है, टीवी भी है, अटैच बाथरूम भी है, और ये हमारा बेड। मतलब ये तो थोड़ी वैसी बात हो गई कि मतलब शुरू होते ही ख़त्म हो गया, पर अभी चलता है क्योंकि अभी ज़्यादा रश है सारी होटल्स में। तो ये वाला अपने को सस्ता और अच्छा प्राइस मिल गया, और एसी रूम विद टीवी विद वाईफाई भी है, तो बेस्ट प्राइस में मिल गया। अभी हम जल्दी से फ्रेश आउट हो जाते हैं, बाहर जाके नाश्ता करते हैं, वहाँ पर आपको मिलता। तो गाइज अभी होटल से फ्रेश होकर निकले नाश्ता करने, तो यहाँ पर आ चुके हैं प्रोटीन वाला थोड़ा सा नाश्ता करने, अंडा और ब्रेड। तो अभी मैंने लास्ट वाला शॉट देखा, उसमें मैंने ऐसा फ़ोन फ्लिप करके शॉट लिया था, तो उसमें इतना फेस कट हो गया था। तो उसकी एक प्रॉब्लम है कि मैं ट्राईपॉड घर पे भूल चुका हूँ, तो मेरे से बैक कैमरा फ्रंट वीडियो नहीं ले सका, उसके लिए थोड़ा चला लेना आप गाइस। अभी देखो अपना नाश्ता बन रहा है, नाश्ता बन जाए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खा के आपको बताता हूँ कैसा लगता है।
क्या रेट है वो भी मैं आपको खाते खाते बता दूँ। तो गाइस अभी हम लोग खा के बताते हैं आपको कैसा लगा। काफ़ी सही टेस्ट है इसका, और इसकी एक प्लेट है 40 रुपये की, उसमें 2 अंडे आएंगे और 4 ब्रेड्स आएगी। अच्छा है, सस्ता ब्रेकफास्ट। हाँ सॉस भी चाहिए, थोड़ा सा सॉस दे देना। आपको जो सॉस अंकल ने सॉस भी दे दिया, सॉस के साथ भी एक बार ट्राई कर लेते। टेस्ट मस्त लगा है बाकी गाइस। तो गाइस हम लोग उठ गए, सीधा नमाज पढ़ने आ गए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप पीछे देख सकते हो, अभी भी रश बहुत ज़्यादा है। अंदर से बाहर निकलने में हमको 1 घंटा हो गया, क्योंकि इतनी भीड़ थी, ना कोई अंदर जा सकता था ना कोई बाहर आ सकता था, इतनी भीड़ के पूरा रोड ब्लॉक हो गया था। तो भी सफोकेशन में से बाहर है, थोड़ा बाहर जाएंगे, फ्रेशन अप होंगे, होटल पर जाकर फिर कुछ खाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे। सही है नहीं? कैसी थी भीड़ देखा? भीड़ बहुत ज़्यादा थी भाई। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं दरगाह के अंदर, तो अभी बस जस्ट हमने एंट्री ली है। अभी 1 घंटा हमने होटल पे स्टे किया था, वेट करा था कि यहाँ पे थोड़ा रश कम हो जाए। यहाँ पे पीछे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देख है और आगे दरगाह का मज़ार, और वहाँ पे तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कैमरा, तो वहाँ पे आगे नहीं बता सकता, बस आगे से थोड़ा सा 1-2 व्यू बता दूंगा आपको, ठीक है। हमने एंट्री ली थी, उसके बाहर एक और गेट है, उसके भी बाहर एक और गेट है, टोटल 3 गेट है। मतलब गाइस इस हिसाब से भीड़ अभी थोड़ी कम है, 1 घंटे पहले कुछ ज़्यादा भीड़ थी, तो अभी अंदर आए, यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटो लेंगे, थोड़ी देर कुछ देर बैठेंगे फिर निकलेंगे। तो गाइस दरगाह में से निकल के थोड़ा यहाँ पे मार्केट में नाश्ता करना है, भूख लगी थी, तो ये पराठा और ये कबाब है, दूसरी प्लेट एक और आइटम मंगाई वो भी मैं दिखाता हूँ, और यहाँ से खा पी के तुरंत चलेंगे तारागढ़ की ओर। तारागढ़ ऊपर पहाड़ पे है, मैं उसकी जर्नी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, ये रहे पीछे ऊपर तारागढ़ की दरगाह, और यहाँ से पीछे देखो कितना ऊपर है, मतलब आसमानों की ऊंचाइयों में। पसीना बहुत हो गया गाइस, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और थक चुके, इतने ज़्यादा स्टेप्स चल गए थे, आवाज़ निकलने की ले रही है, और ऊपर से धूप बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जूम करके। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर दाई दिन के झोपड़े के पास, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा रश है। यहाँ से थोड़े से अच्छे से वीडियो और फोटोग्राफी कर लेते हैं हम लोग, दिखा दो कौन से एंगल से ये झोपड़ा है, कमेंट सेक्शन में बता देना कौन से एंगल से ये झोपड़ा है। अगर आपको इस बारे में हिस्ट्री पता है, इस जगह के बारे में हिस्ट्री पता है, तो मुझे भी एक बार बता देना, मेरे को कुछ नहीं पता इसके लिए।
अभी हम लोग आ चुके हैं होटल से रात का खाने के लिए, डिनर के लिए। हम लोग तारागढ़ से वापस होटल चले गए थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो होटल पर फ्रेश होने गए तो उसी टाइम पर हम लोग सो गए। वहाँ से अभी निकले और अभी बस जस्ट खाने आए, तो बहुत लेट हो चुके हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इब्राहिम होटल पर और यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया है। पीछे बहुत सारा आवाज़ आ रहा है इसके लिए सॉरी। और मैंने ऑर्डर दे दिया है, आता है तो मैं आपको खा कर बता देता हूँ रिव्यू कैसा है। गाइस हम लोगों का आ चुका है खाने का, तो हमने मंगाया चिकन कोरमा, चिकन मसाला और दो तंदूर की रोटी। इसके आगे दूसरा सब मंगाते हैं, आपको टेस्ट करके बता देता हूँ कैसा लग रहा है। टेस्ट बहुत मस्त है और भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, खाना खाकर मिलता हूँ आपसे। अभी हम लोग सुबह उठे और फ्रेश हो गए, नहा धो कर भी निकले हैं बाहर नाश्ता करने, और हमारा रिक्शा वाला तैयार है। उसके बहुत सारे कॉल आ गए थे, हम जब सो रहे थे, पुष्कर जाना है हमारे अभी, तो जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। और वो भाई बैठे ही है रिक्शा वाले, उनके साथ फटाफट से जाते पुष्कर और वहाँ जाके आपको दिखा देते हैं। अभी हम लोग बैठ चुके हैं हमारे कार में, तो हम लोग अभी जा रहे हैं अन्ना सागर और आई लव अजमेर की फ्रेम के पास, और पुष्कर एक एक करके सब जगह जाएंगे, रास्ते में जो जो जगह आती जाएगी, और वहाँ पे पॉइंट्स पर रुक रुक के आपको बता देंगे। नहीं रेडी रेडी फुल रेडी फुल एकदम फुल एनर्जी में जा रहे हैं, बाल वाल सेट करके एकदम तैयार वैयार हो के। बता देना गाइस कैसा लग रहा हूँ थोड़ा कमेंट सेक्शन में। ठीक है गाइस, तो गाइस अभी हम लोग पुष्कर से मतलब अंदर जा रहे हैं डेजर्ट की ओर, तो यहाँ पे हमने जीप पे बैठ चुके हैं, जीप बुक करी थी तो जीप आ चुकी है, स्टार्ट हो गई है भाई। देख लो इसका बाहर का व्यू बता देता हूँ गाइस आपको, और आपको अंदर की थोड़ी बहुत डिटेल जो है भाई बताएंगे गाइड, ये बता दें। तो गाइस यहाँ पे अभी 15-20 मिनट का यहाँ पे ब्रेक है, तो यहाँ पे पीछे जो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया और बाती हम सीरियल है ना, वहाँ पे राजस्थानी लुक में यहाँ पे चूड़ी और उसका बाजार लगा था, तो इसकी शूटिंग यहाँ पर होती है। और यहाँ पर देख सकते हो ये दूसरे कैमल राइड्स भी है जो वहाँ से आए थे, और यहाँ पर दूसरे फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हैं कॉस्ट्यूम पहन के, उसका अलग चार्जेस है। और यहाँ पर ATV बाइक्स जो अभी है नहीं, जो ATV बाइक्स मेरे को लेनी है पर वो अभी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर खड़ी रहती है। अभी के अभी 7 बाइक जा चुकी है, तो अभी एक भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे थोड़े रुकते हैं, फ़ोटो वोटो लेते हैं, अच्छे से फ़ोटो लेंगे और उसके बाद निकलते हैं। ये देख सकते हो आप, ये थोड़ा मतलब हॉर्स राइडिंग सब कुछ है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे इन्जॉय करते हैं, फ़ोटो वोटो लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस वो जो ऊपर दिख रहा है आपको, वो है काली माता का मंदिर, जो करण अर्जुन में जो मंदिर दिखाया गया था वो मंदिर है, करण अर्जुन के मंदिर की शूटिंग वहाँ पर हुई थी। और आगे भी जो डेजर्ट का इलाका है, करण अर्जुन की शूटिंग वहाँ पे भी हुई थी, वो भी आपको आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, फ़ोटो वोटो लेते, मिलते आपको। तो गाइस अभी यहाँ पे मेन डेजर्ट में आ चुके हैं, यहाँ पे है ये छोटी बड़ी सवारी है जो कैमल की, यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में जो गाइड ने बताया कि यहाँ पे गरीब नवाज ने जो उस टाइम पे किन्नर को बिठा लिया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कैमल की राइड रखी हुई है, यहाँ पे फ़ोटो वीडियोग्राफी सब होती है, यहाँ पे इनका अलग चार्जेस है। इन पे बैठ के जो कैमल वाले होते हैं वही अपने अच्छे से फ़ोटो वीडियो ले लेते हैं, या तो DSLR कैमरे में या तो अपने ही फ़ोन में ले लेते और आपको दे देते इंस्टेंटली। तो आप देख सकते हो आगे पीछे का व्यू, बिल्कुल मिडल ऑफ द डेजर्ट, एकदम मस्त सी फीलिंग आ रही है गाइस, एकदम बीचों बीच में है, बिल्कुल बीच में है, सेंटर में डेजर्ट के। आप देख सकते हो ये रहा कैमल और ये हमारी जीप है, और हम यहाँ पे पावर ही कर रहे हैं। जो आप पीछे हवेली देख रहे हो वो हवेली गुर्जर सिंह की है, जो करण अर्जुन में जो हवेली दिखाई थी। और ये जो तार है, ये तार बॉर्डर जो आपको दिख रही है,
ये तार बॉर्डर जो बजरंगी भाईजान मूवी में जो सलमान खान जो मुन्नी को लेके जा रहे हैं नीचे से, यहाँ पे सुरंग भी बनी थी 12 फीट की, और वो जो आगे जो बिल्कुल तार के आगे जो गुलाब के फूल है, वो गुलाब का फूल वो ख्वाजा जी ने यहाँ पे रखे थे, तो ख्वाजा जी के दरबार पे यहाँ से फूल जाते थे, यहाँ पे ताज़े ताज़े फूल मतलब खिलते हैं, इतने मतलब रेगिस्तानी इलाके में भी फूल है। इसके आगे की डिटेल में आगे जाके बताता हूँ। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है गाइस, अभी वो जीप की राइड डेजर्ट राइड खत्म हो चुकी है। नईम कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया था, आपको वीडियो में पता चल जाएगा वो तो। अरे फोन स्टेबल नहीं रह रहा था, इतना हाल रहा था, पीछे से कमर पूरी दुखती हो गई, पूरा बैक पेन स्टार्ट हो गया, और होटल पे जाकर दवाई लेनी पड़ेगी, पेन किलर वेन किलर जो कुछ भी है, गर्म पानी से मस्त नहाना पड़ेगा। आ चुके हम अपनी कार में, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आयला अजमेर वाली फ्रेम में जो महाराणा प्रताप वाला है, वहाँ पे जाके वीडियो ऑन कर दूंगा, उसके बाद जाएंगे अनासागर लेक। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो में जुड़े रहे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर से एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको कुछ देर के बाद। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं आयला अजमेर वाली फ्रेम में जो हो रही पीछे, और वहाँ पर है महाराणा प्रताप की मतलब स्टैचू स्कल्पचर। ये रहा यहाँ पे एक राजस्थानी होटल है, और मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना ही अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब गाइस बहुत ही एकदम सुकून वाला है, देख लीजिए गाइस बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ गाइस। देखो अभी दूसरे लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे पीछे अजमेर जो फ्रेम है आई लव अजमेर वाली, वहाँ पर जाके अपने फ़ोटो लेते, तब तक आप ये देखिए, देख लीजिए गाइस वो ऊपर हिल है, पूरा पीछे माउंटेन इलाका है और क्लाउडी वेदर है, यहाँ से बिल्कुल सामने महाराणा प्रताप की स्टैचू 9 मई 1540। ये रही इसके यहाँ पर सब इसका डिस्क्रिप्शन और वो सब लिखा है, इसकी पूरी हिस्ट्री थोड़ी बहुत लिखी गई है यहाँ पे। आजू बाजू पूरा देख सकते हो आप, पूरा गार्डन है, ये फूड कोर्ट है, ये इस साइड भी थोड़ा गार्डन है, और अच्छा मतलब एरिया एकदम बेस्ट है। तो गाइज हम लोग अनासागर लेक में एंट्री ले चुके हैं, दो टिकट मेरी और नईम की ले ली हमने, अभी अंदर आए, ये आजू बाजू सब गार्डन है आसपास में, अभी लेक के पास भी अपने जाके वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइस सुबह से हम लोग निकले थे पुष्कर के लिए, पुष्कर के बाद आयला अजमेर गए, उसके बाद अभी अनासागर, और यहाँ से अभी थक हार के अभी जा रहे हैं होटल पर रेस्ट करने, रेस्ट करेंगे आराम से। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं होटल से चेकआउट कर अजमेर स्टेशन पर, तो हमारी ट्रेन बस कुछ ही देर में आने वाली है, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।